नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पारशर। गंगा सवेरा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर टॉप 10 खबरों पर। टीटी पेपर लीक मामले में यूपीएसटीएफ ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार। सभी लाखों रुपए में बेच रहे थे क्वेश्चन पेपर। गिरफ्तार लोगों ने भाजपा नेता चंद्रमा सिंह यादव भी शामिल। गाजियाबाद में रोडरेज के मामले में युवक की पिटाई, 3 युवकों ने लड़के को पीटा, पुलिस ने तीनों को किया गिरफ्तार। गाजियाबाद जिला मुख्यालय में भिड़े 2 पुलिसकर्मी, आबकारी इंस्पेक्टर और सिपाही के बीच खूनी झड़प, दोनों को लगी चोट, मामला दर्ज। आगरा में गाय भगाने को लेकर आपस में भिड़े किसान, गाय भगाने वाले किसान पर कुल्हाड़ी से हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती, खेत में गाय घुसने को लेकर हुआ था विवाद। काशीपुर में डीआईजी कुमायूं जगतराम ने जारी किया बड़ा बयान, कहा शराब के आदि पुलिसकर्मियों को करेंगे डिपार्टमेंट से बाहर। राज्यपाल से मिला कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल, जनहित से जुड़ी समस्याओं को लेकर सौंपा राज्यपाल को ज्ञापन। चमोली में पिछले 2 दिनों से जारी है बर्फबारी, ग्रामीण इलाकों को जोड़ने वाले कई संपर्क मार्ग भी बंद, डीएम ने की आपात बैठक। मसूरी के कंपनी गार्डन और लाल टिब्बा इलाके में बर्फबारी, सुरक्षा के मद्देनजर धनोल्टी रोड को किया गया बंद। बीजेपी ने तेज की चुनावी तैयारियां, अलग अलग राज्यों से प्रचार के लिए दिल्ली पहुंचे कार्यकर्ता, विधायक, पूर्व विधायक, जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों को मिली जिम्मेदारियां। और 16 जनवरी को बिहार के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह, विधानसभा चुनाव से पहले कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश, साल के अंत में होंगे बिहार में विधानसभा चुनाव।